नमस्कार प्यारे दोस्तों कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत मैं डॉक्टर दिलीप नलगे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि हमें किस प्रकार का आहार टोटली अवॉइड करना चाहिए कौन सी चीजें टोटली अवॉइड करनी चाहिए उसमें हमने चार सफेद चीजें देखी एक तो सबसे पहले वनस्पति घी जिसको डालडा कहते हैं फिर मैदा फिर उसके साथ साथ नमक और शक्कर उसके साथ हमने ये भी देखा कि नमक अगर यूज करना है तो हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए ऑयल यूज करना चाहिए अगर ऑयल यूज करना चाहते हैं तो गर्मी के दिनों में कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं ठंड के दिनों में तिल का तेल या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं तिल के तेल के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको हम जैसे खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो उससे हम अभ्यंग भी कर सकते हैं अपने बॉडी पे अप्लाई भी कर सकते हैं उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हरी मिर्च जो है वो ज्यादा फायदेमंद होती है लाल मिर्च की अपेक्षा और उसके साथ हम ये भी हमने देखा था कि पानी जो है वो पानी के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी जस्ट पिछले एपिसोड में तो कई बार क्या होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि जितना पानी पियो उतना अच्छा है ना सुबह सुबह उठ के कई बार ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा प्रेशर बनेगा और हमारा पेट अच्छा साफ होगा कई बार इसकी वजह से लोग चार चार ग्लास पांच पांच ग्लास तक पानी पीते हैं और उनको उसका फायदा महसूस भी होता है कुछ समय तक लेकिन आगे चल के ये जो ज्यादा पानी पिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं शरीर में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और करता है हमने प्रैक्टिकल में देखा है क्योंकि जितनी जरूरत उतना सप्लाई ये सिंपल प्रिंसिपल है जितनी डिमांड उतना सप्लाई ये सिंपल प्रिंसिपल है और सुबह सुबह जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह का जो समय होता है सुबह छः से दस का समय ये कफ का समय होता है और अगर उस समय में जो कफ का समय है और कफ बढ़ता है पानी से और उस समय में आप अगर बहुत ज्यादा पानी पिए जा रहे हो जबरदस्ती पिए जा रहे हो तो उससे नुकसान हो सकता है हमारे पास एक पेशेंट आया था वो बहुत समय से हिल पेन से पीड़ित था तो उसके हील में पेन होता था तो उसने कई सारी दवाइयां ट्राई की लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा था तो हमने जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो सुबह सुबह चार से पांच ग्लास पानी पीता था हमने उसको केवल इतना कहा कि आप ये जो चार पांच गिलास पानी पी रहे हो इसको एक गिलास पे लाओ और वो रात को सोने से पहले भी पानी पीने की उसको आदत थी तो उसको कहा कि आपको रात को सोने से जस्ट पहले पानी नहीं पीना है कम से कम आधा पौना घंटा पहले पानी पीना है सोने से जस्ट पहले नहीं पीना है तो केवल इतना परिवर्तन करने से एक वीक के अंदर अंदर उसका हील पेन जो है वो खत्म हो गया उसको बड़ा आश्चर्य लगा वो कहने लगा कि जिसके लिए मैंने इतनी मेडिसिन ली उसको इतने सिंपल उपाय से ये प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्यारे दोस्तों इसीलिए ये बात हमें पता होना बहुत आवश्यक है कि हमें पानी कब पीना चाहिए कितना पीना चाहिए इसके बारे में आयुर्वेद यही कहता है कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु ये अगर छोड़ दिए जाए माना जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु माना मई और जून का समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरद ऋतु माना सितंबर और अक्टूबर अक्टूबर हीट भी कहते हैं ना गर्मी का समय तो ये अगर चार महीने छोड़ दिए जाए तो बाकी आठ महीनों में ये आयुर्वेद ने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी पानी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है जितनी जरूरत है उतना पीना चाहिए महर्षि वागभट ने उसके लिए कहा है पिबेत स्वस्थोपिच अल्पशाह तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये निर्देश किया है कि जितनी जरूरत है उतना ही पानी पीना चाहिए कई बार भोजन के साथ उसका क्या कनेक्शन होता है कई बार है ना ये भी कहा जाता है कि भाई भोजन के साथ हम बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकते हैं कई लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं भोजन के साथ और कोई अगर पी रहा है तो उसको भी मना करते हैं लेकिन भोजन के साथ हम अल्प मात्रा में जल पी सकते हैं वो कितनी मात्रा में जल पी सकते हैं तो 300 हंड्रेड तक माना एक छोटा सा ग्लास जो होता है तो उतना सिप बाय सिप बीच बीच में हम पी सकते हैं भोजन के साथ भी ताकि जो हम भोजन कर रहे हैं उसका मिक्सिंग अच्छी तरह से हो सब चीज़ें उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है भोजन करते समय अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं या भोजन के तुरंत बाद भी ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो वो विष के समान काम करता है क्योंकि फिर डाइजेशन को वो डिस्टर्ब करता है डाइजेस्टिव जूसेस को वो डाइल्यूट करता है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी पानी नहीं पिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है कफ प्रकृति पित्त प्रकृति वात प्रकृति तो कफ प्रकृति वालों के लिए तो ये बात ठीक है कि बिल्कुल भी पानी नहीं भी पिए तो चल सकता है लेकिन वात प्रकृति वाले कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको बिना पानी पिए वो खाना अंदर निगला नहीं जाता है तो इतनी मात्रा में तो निश्चित रूप से पानी पिया जा सकता है उसके साथ साथ भोजन करने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए तो बहुत सुंदर रीति से ये बताया है कि भोजन आंते च किम पेयम तक्रम शक्र से दुर्लभम माना भोजन के अंत में हम छाछ पी सकते हैं वो छाछ भी कैसे होनी चाहिए कई बार लोग क्या करते हैं दही को ही थोड़ा सा घुमा देते हैं और कहते हैं कि ये छाछ लेकिन वो छाछ नहीं है छाछ उसको कहा जाता है जिसमें से मलाई पूरी तरह से निकली है और जो एकदम पतली है जो बचा हुआ जो हिस्सा है पूरा मक्खन निकलने के बाद जो बच जाता है वो छाछ है और छाछ भी है वो ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और ताजी ही बनाकर ताजे दही से जो छाछ बनाई जाती है घर में बनी बनाई हुई छाछ वो नुकसान नहीं करती है तो वो भोजन के अंत में और वो भी ज्यादा प्रमाण में नहीं एक गिलास उतनी पी जा सकती है क्योंकि छाछ जो है वो कफ को कम करने का काम करती है तो इसीलिए भोजन के तुरंत बाद में हम पानी का सेवन नहीं करें और सारे साल भर गर्म पानी का सेवन किया जा सकता है वैसे तो गर्म जल जो है वो पूरे ही बारह महीने सेवन करने योग्य ऐसा बताया जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको वो सूट नहीं करता है गर्म पानी उससे उनको एसिडिटी होती है तो इसीलिए फिर वो सुबह शाम गर्म पानी पी सकते हैं और दोपहर में नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं कई बार ये भी है कि जो सीजन के हिसाब से भी हम पानी पी सकते हैं जैसे ठंड के दिनों में गर्म पानी का यूज करें पीने के लिए और जब गर्मी के दिन होते हैं उसमें नॉर्मल वाटर यूज करें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए फ्रिज का पानी पीने की वजह से कई सारी बीमारियां होती है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो वो पानी हजम करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई बार उतनी मेहनत करने के बाद भी वो ठीक से हजम नहीं हो पाता है और फिर वो क्या करता है जाके घुटनों में घुटनों में दर्द अलग अलग जॉइंट्स में जाके वो दर्द शुरू करता है तो इसीलिए ये बात बहुत ध्यान में रखें अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और पीना ही है तो मटके का जो पानी है वो पी सकते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा ठंडा नहीं होता है तो इसीलिए उतना ठंडा पानी पी सकते हैं लेकिन फ्रिज का पानी जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना चाहिए फिर उसके बाद में प्रकृति के अनुसार भी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकती है जैसे कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है तो जितनी ज़रूरत है उतना वो पानी पिए लेकिन ये सोचे नहीं कि भाई नहीं मैंने पानी नहीं पिया तो मुझे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी ये आवश्यक नहीं है तो इसीलिए जितनी रिक्वायरमेंट है पित्त प्रकृति वाले जो है उनको भूख भी ज़्यादा लगती है प्यास भी ज़्यादा लगती है और उनकी हजम करने की ताकत भी अच्छी होती है तो इसीलिए वो ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा पानी पी सकते हैं तो इसीलिए हमारे प्रकृति को समझ के उसके अनुसार भी जब हम पानी पीना सीखते हैं तो उससे भी बहुत हमें फायदा मिलता है इसके साथ कई प्रकार के ऐसे पानी होते हैं जैसे जो जोड़ों में जिनको दर्द की शिकायत रहती है तो उनको कैसा पानी पीना चाहिए तो उनको हमेशा पानी को उबाल के रखना चाहिए और उबाल के भी क्या करना चाहिए उसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर जो है वो डाल देना चाहिए और सौठ डालकर उबला हुआ जो पानी है उसको जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो उसको पीने से उनके जॉइंट पेन में उनको काफी अच्छा फायदा हो सकता है क्योंकि सौंठ जो है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे जो पार्ट होता है अंदर में शरीर में में शरीर उसको डाइजेस्ट करने हेल्प करती है तो सारे दिन भर जो भी पानी पीना है वो सौंठ पाउडर डला हुआ सौंठ पाउडर डाल के उसको एक बार उबाल ले उबालने के बाद उसको फिर छान के उसको पिया जा सकता है उसके अलावा जब बुखार होता है तो बुखार में किस प्रकार का पानी पीना चाहिए तो बुखार में भी हमें उबाल के जो ठंडा होता है और उसमें भी हम थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल के उसको पी सकते हैं क्योंकि सौंठ पाउडर डालने से क्या होता है आम का पाचन करने की शक्ति उस जल में आ जाती है तो इस प्रकार से ये बुखार के समय में भी इस प्रकार का शुंठी सिद्ध जल जिसको आयुर्वेद में कहा है उसको लिया जा सकता है उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि बहुत मना जैसे कई बार ये होता है कि भाई अभी हमने ये बना के रख दिया सौंठ डाल के पानी बना के रख दिया और दो तीन दिन तक उसको ही पीते रहे तो वो भी सही नहीं है क्योंकि वो नुकसान कर सकता है आपने अगर सुबह ऐसा पानी बना लिया तो उसको ज्यादा से ज्यादा शाम तक यूज कर सकते हैं दूसरे दिन आपको फिर से अलग रीति से उसको उबाल के तैयार करना होगा ऐसा नहीं करना है कि आज हमने वो पानी तैयार कर लिया और उसको कल भी पी रहे हैं परसों भी पी रहे हैं फ्रिज में रख के उसको पी रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तो इसीलिए ये कुछ बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं फिर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताई है अष्टांग हृदय में महर्षि वाघ ने अगर हम अपने आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी कई लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा पानी पीते हैं पानी पीते हैं लेकिन पानी पीने से भी वजन कम नहीं होता है तो पानी अगर पीना है तो किस प्रकार से पीना चाहिए किस प्रकार का पानी वजन कम करता है तो उसको मधुदक कहा है कई बार लोग क्या करते हैं गर्म पानी में शहद डाल के उसको पीते हैं वो भी बहुत गलत प्रैक्टिस है क्योंकि गर्म पानी में शहद जो है वो किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं लिया जाना चाहिए तो उसको किस प्रकार से ले सकते हैं तो पानी को आप पहले ले लो लगभग आप मान लीजिए 320 ट्वेंटी पानी ले लीजिए 320 ट्वेंटी पानी को उबाल के 40 एम तक कर दीजिए माना वन एट्थ पार्ट और उस 40 एम पानी को ठंडा होने दीजिए फिर उसमें 20 ग्राम शहद मिक्स करके फिर उसको अगर पीते हैं उसको मधुदक कहा जाता है और वो वजन कम करने में हेल्प करता है लेकिन आप गर्म पानी में शहद डाल के यूज करेंगे तो वो विरुद्ध संयोग हो जाता है क्योंकि शहद कभी भी गर्म चीज के साथ मिक्स करके नहीं लेना होता है जैसे मैंने दही के बारे में बताया था दही भी किसी भी गर्म चीज के साथ मिक्स करके नहीं खाना होता है ऐसे शहद भी गर्म पानी के साथ लेना ये गलत प्रैक्टिस है और जो वजन कम करना चाहते हैं उनको भोजन के पहले पानी पीने से वजन कम करने में हेल्प मिलती है जो वजन को वैसा ही मेंटेन रखना चाहते हैं उसको भोजन करने के बीच बीच में सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा पानी 300 सौ तक पीते हैं तो वो हेल्प करता है और जो वजन को बढ़ाना चाहते हैं उनको भोजन के बाद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है अष्टांग हृदय में तो ये हमने जो आज आपके साथ बातें शेयर की ये सारी बातें थी पानी से संबंधित जल से संबंधित कि जल कब पीना चाहिए कितना पीना चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया आप अपने सत विवेक बुद्धि का यूज करके भी इसको कर सकते हैं क्योंकि अपने आप को आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं कि मेरी अभी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है और उस अनुसार अगर हम वैसे जल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो जल हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और भी इसमें और जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे आज हमने मुख्य रूप से पानी से संबंधित बातें और पानी से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की आयुर्वेद के माध्यम से ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे और ऐसी उपयुक्त बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ओम शांति